चाय की चस्की भी जा रहे हैं यहाँ पर। दही भले भी है, नान पराठा भी है, दूसरा पराठा स्पाइसी लगेगा ना? हाँ थोड़ा स्पाइसी। चाय, समोसा, वो भी चटनी के साथ, आय हाय, ऐसा सोच के तो इंडिया की याद आ जाती है। लेकिन क्या हम लिस्बन, पोर्चुगल में ये देसी खाना खा सकते हैं? अल्लाह मेश अमीगुश, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है भारती और मैं रहती हूँ पोर्चुगल में। तो आज मैं आई हूँ यहाँ पर छोटे से इंडिया में, जो कि है पोर्चुगल में, लिस्बन में। और यहाँ पर मिलता है समोसा, चाट, चाय, सब कुछ जो हमें चांदनी चौक में मिल जाता है। तो चलिए चल करके देखते हैं। तो चलिए फंटुश मूवी की तरह पोर्चुगल की दीवार से निकलकर हम जाते हैं देसी खाने की तरफ, पहुँचते हैं इंडिया और देखते हैं क्या क्या मिलता है मार्टिन मुनिश के इस नुक्कड़ पर। दही पल्ले हैं, दही पल्ले भी है, नान पराठा भी है, दूसरा पराठा भी है, एक समोसा लेते हैं। ठीक है, तो ये अंकल समोसा तैयार कर रहे हैं, ये है पाकिस्तान से। ये क्या है, चटनी? चटनी है, या चटनी और या खट्टी मिठी। साइज देख रहे हैं आप समोसे की, वैसे टेस्टी भी है काफी। अब इसका प्राइस जान लेते हैं और देखते हैं क्या क्या और मिलता है। समोसा कितने का है? एक यूरो का। और दही बल्ला? 1.5 यूरो का, 150 का। ओके, और आपके पास पराठे भी हैं? पराठे भी हैं, मेरे पास है नान पराठा है। ओके ठीक है, आलू वाला ठीक है, स्पेशल देसी है। ठीक है, चाय भी है मेरे पास। ठीक है, देसी चाय, इंडियन पाकिस्तानी चाय भी। ठीक है, चलिए मुझे एक दही बल्ला प्लेट दे दीजिए। एक दही बल्ला, एक सही। समोसा खाने के बाद मैंने कर दिया दही बल्ला ऑर्डर। क्वांटिटी में तो काफ़ी ज़्यादा है, पर टेस्ट में मुझे थोड़ा ठीक ठाक सा लगा। आप मेरे एक्सप्रेशन को देख करके कन्फ्यूज मत होइएगा, थोड़ा करना पड़ता है। बट मैं ये देखकर हैरान हूँ कि यहाँ पर भी ऐसे लोग कहीं पर भी स्टॉल लगा लेते हैं, बट वही है, जिसको कुछ करना है वो कहीं भी कर लेता है और शुरुआत ऐसे ही होती है। आप यहाँ पर डेली लगाते हैं? ओके, कितने, क्या टाइमिंग है? 4 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे से शाम को, रात को 10 बजे तक। ओके, स्पाइसी खाएगा? हाँ थोड़ा स्पाइसी कर देना। पानी पूरी, ये पानी पूरी वाले भैया, ये भैया हैं बांग्लादेश से और यहाँ पर लगाते हैं पानी पूरी चाट और भेल पूरी। तो ये लो पानी पूरी प्लेट आ गई है। मैं फूड ब्लॉगर तो नहीं हूँ, बट आप साउंड सुनकर पता लगा सकते हैं कि पानी पूरी कितनी क्रिस्पी है। और ट्रस्ट मी, आप मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, ये टेस्टी भी है। ये मार्टिन मुनिश के बाहर का स्पेस है, खुला सा। यहाँ पर लोग शाम को आकर वॉक करते हैं, चाट वगैरह खाते हैं। वैसे लिस्बन में बहुत सारे देसी मिल जाते हैं, हर तीसरा बंदा देसी है, बट मार्टिन मुनिश, अंजुश ऐसे एरिया में हम देसियों ने पूरा ही कब्जा किया हुआ है। फिर मैंने थोड़ा टहलने के बाद चाय ट्राई की और यहाँ पर देखा कि एक कोलंबियन लेडी अंकल से समोसा ले रही है। समोसा, जैसे आपको पता है पोर्चुगल में भी समोसा खाया जाता है उसको, उसकी थोड़ी शेप अलग होती है और उसके अंदर फिलिंग होती है आलू की नहीं लेकिन वेजिटेबल की। और मुझे उन कोलंबियन महिला ने ये बताया कि उनके वहाँ भी समोसे खाए जाते हैं जिसमें चावल की फिलिंग होती है।
वैसे अगर आपको पोर्चुगीज आती है तो आप स्पेनिश और कोलंबियन भी समझ लेते हैं, जैसे मैंने थोड़ा बहुत समझ के अंकल को बताया कि वो क्या पूछना चाहती हैं। कितने बजे आप खोलते हैं आप ये? 9 बजे 8 बजे Desh 9 athe 8 de tarde. No. ¿Cuánto? ¿A qué? 9. ¿9? 9 de mañana. ¿El de la mañana? Sí. Ok. De, okay. Ek chai de dije, uncle. ¿Y a qué hora las prepara? A las 4 de la mañana, era. ¿Qué tiene que ir? No, चाय की चस्की ली जा रहे हैं यहाँ पर। तो अभी चाट खाने के बाद में हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर इंडियन स्टोर, जो कि मेट्रो के एकदम पास में ही है। यहाँ पर ये मार्केट है, जैसे हम इंडिया में काफ़ी सारी जगह पर मिलता है, जैसे जयपुर में एक रायसर प्लाज़ा जहाँ पर सब कुछ अंडर वन रूफ मिल जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बहुत सारे क्लोथ्स, कुर्तीज, बैग्स, बेडशीट, पर्दे, वो भी इंडियन डिज़ाइन के। और यहाँ पर है फेमस इंडियन स्टोर पोपट स्टोर, रेयर से रेयर भाजी तरकारी भी यहाँ पर मिल जाती है। और यहाँ से बहुत सारे इंडियन स्टोर सामान लेते हैं। इनकी एक ऑनलाइन वेबसाइट भी है, वहाँ से आप फूड ऑर्डर कर सकते हैं और सब आपको घर पर भी मिल सकता है। उसके बाद मैंने थोड़ा और एक्सप्लोर किया, यहाँ पर गोवा जैसी ड्रेसेस दिखाई दे रही है मुझे। काफ़ी बड़ा कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर ज्वेलरी है, काफ़ी कुछ है यहाँ पर। मैंने देखा कुछ भाई लोग वहाँ नमाज अदा कर रहे हैं, और उस तरफ ना जाते हुए मैं दूसरी तरफ गई और मैंने देखा यहाँ पर कुछ और बैग्स और कॉफ़ी शॉप। और उसके बाद मैं बाहर आ गई, यहाँ पर है देसी गली जहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट है, स्पाइसी, इंडियन, नॉर्थ इंडियन हो या साउथ इंडियन, मुगलई, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाली, सारे देसी रेस्टोरेंट इसी गली में हैं। फिलहाल खाने की बहुत बात हो गई है, मुझे अपने फ़ोन का टेम्पर ग्लास लगवाना है, तो मैं गई एक मोबाइल स्टोर पर जहाँ पर एक अंकल मिले, वो है गुजराती, और उन्होंने बताया कि ये शॉप 1992 से है, मतलब इतने सालों पहले से इमिग्रेशन चल रहा है। उनको ये आइडिया आया कहाँ से कि उनको पोर्चुगल आना है उस टाइम पर। और उसके बाद मैंने और कुछ शॉप्स देखी जो कि मुझे बिल्कुल इंडिया जैसा फील करवा रही थी। ऐसा लग रहा है जैसे गली के एक तरफ है एशिया और गली के दूसरी तरफ ये ट्रैम जा रही है पोर्चुगल में। फिर दिन भर चाट खाने के बाद शाम को मैंने सोचा थोड़ा स्वदेशी स्वीट भी टेस्ट किया जाए। यहाँ पर है रबड़ी, जलेबी, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बाप रे बाप, ये सब एक साथ कैसे खाऊंगी मैं। बट आज मौका है तो मैं इसे जाने भी नहीं दे सकती, तो मैंने सब ऑर्डर कर लिया, गुलाब जामुन, रसगुल्ला और जलेबी। बहुत ही टेस्टी था, खाकर मुझे बहुत मज़ा आया।
और इस वीडियो को शूट करके भी मुझे मज़ा आया और एडिट करके भी मुझे मज़ा आया। क्या आप लोगों को भी ये वीडियो अच्छा लगा? और आपकी फेवरेट स्वीट कौन सी है ये आप मुझे कमेंट में बताइए। और जिस जिसको पानी पूरी और गुलाब जामुन पसंद है वो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चाओ चाओ।